अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रसवी रिलीज और मेरा नाम है आशिक। दोस्तों आज का टॉपिक है ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड। दोस्तों हमें सबको पता है कि ऑनलाइन जो है पैसे कमाए जाते हैं और कमाए जा सकते हैं, लेकिन सबको ये नहीं पता होता है कि कैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फेक वेज होते हैं कि आपको दिन में $100 $1500, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जेन्युइन अर्निंग आप कर सकते हैं। एक तो हो गया कि आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चैनल है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आप वीडियो नहीं बना सकते, आप नहीं बनाते, इसको छोड़ दीजिए। अगर आप कुछ जानते हैं, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, कोई स्किल्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज जानते हैं, आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं किसी लैंग्वेज की, या आप जो है वीडियोस को इंट्रो आउट्रो डाल सकते हैं अगर आप एडिटर है, अगर आप पेंटर है तो आप पेंटिंग करते हैं, जो कुछ भी आपकी स्किल्स है उससे आप पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन कैसे, यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारी वीडियोस हैं, आज एक टॉपिक हम इस पे लेके जाएंगे और इसके और भी एपिसोड हम बनाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब YouTube अर्निंग की बात आती है, यहाँ बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं। एक होता है एप्लीकेशंस के थ्रू कि आप रेफरल करें, फिर आपको 5 पैसा, 10 पैसा, 1 रुपया, इस तरह आप पैसे कमाएंगे। ये सारी चीजें भी आप छोड़ दीजिए कि मैंने आपको बताया यहाँ आपको कोई भी जो है किसी के साथ आपको काम नहीं करना है, आपके पास अपना जो टैलेंट है उसके जरिए से आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी होती है कि ऑनलाइन पैसा कमाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप रातों रात जो है वो लखपति बन जाएं, हजारों लाखों रुपए ऐसे आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो यूट्यूबर जो आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं वो खुद ये ना करते और वो खुद रातों रात जो है लखपति ना बन जाते। जो भी ऐसी कुछ होती है, बेटिंग्स होती है, वो उनमें रिस्क होता है आपके पैसे का जाने का, और ज्यादातर 90% आपके पैसे ही जाएंगे, आपको वहां से कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमें ना तो बेटिंग की बात करनी है, ना हमें जो है रेफरल एप्स की बात करनी है, ना यूट्यूब की बात करनी है आपके टैलेंट की, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, ऑनलाइन हम देखते हैं, हमें हर चीज, जैसे हम शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन करते हैं। अब जमाना इतना हो गया है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऑफिस टू ऑफिस जाएं या शॉप टू शॉप जाएं और फिर देखें, चीजें देखें या अपना काम देखें। अब यहां क्या होता है, जो भी काम आपको पड़ता है आप कोशिश करते हैं उसको ऑनलाइन ही सॉल्व करने की। तो यहीं पे आता है आपका टैलेंट, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होता है, कोई फाइल होती है या कोई स्क्रिप्ट होती है जो किसी और लैंग्वेज में हो, लेकिन उनको वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में चेंज करनी है। अब फॉर एग्जांपल किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट आया है, वो फ्रेंच में है या इटालियन में है या टर्किश में है, अब उन्हें वो करना है ट्रांसलेट हिंदी में या इंग्लिश में या उर्दू में, अब उन्हें खुद समझ नहीं आता तो कोई ट्रांसलेटर उनको चाहिए, वो ऑनलाइन देखते हैं। तो यहाँ पे एक ऐप जो है, वेबसाइट है फाइवर, ठीक है, fiverr.com जो है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग अपनी गिग क्रिएट करते हैं। गिग यानी अगर आप एक पेंटर है, आप अपना एक पोस्ट बनाते हैं अकाउंट लॉग इन करने के बाद कि भाई मैं पेंटिंग बनाता हूँ, इस तरह की पेंटिंग बनाता हूँ, तो एक पेंटिंग के मैं $5 दूंगा, छोटी पेंटिंग जो इस साइज की होगी, ठीक है, 5x5 इंच की या 10x10 इंच की पेंटिंग में बनाऊंगा उसके $5 दूंगा, एक फीट की पेंटिंग बनाऊंगा तो एक फीट स्क्वायर की पेंटिंग बनाऊंगा तो उसके $10 दूंगा, $20 दूंगा। मैं टर्किश टू फ्रेंच, टर्किश टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकता हूँ, इंग्लिश टू टर्किश ट्रांसलेट कर सकता हूँ, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकता हूँ, हिंदी टू अरेबिक ट्रांसलेट कर सकता हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको करके दूंगा। अब यहाँ पे भी जो है अपनी आप रेट सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 पेजेस के मैं $5 दूंगा, 10 पेजेस के मैं $60 दूंगा, 20 पेजेस के मैं $15 दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कमीशन कोई नहीं काटेगा। अगर आप फाइवर के थ्रू कॉन्टेक्ट करते हैं, अगर आप वहीं पे वो आपको जो है ऑर्डर दे देता है वेबसाइट पे, तो यहाँ पे कुछ परसेंट जो है वो कट जाते हैं, 10 में से आपको $8 मिलेंगे, $9 मिलेंगे और एक जो है वेबसाइट रखेगी। लेकिन यहाँ आप जो है बियॉन्ड द वेबसाइट भी काम कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई कस्टमर आ जाता है अपना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट दे सकते हैं और वो डायरेक्ट आपको अप्रोच कर सकते हैं और वेबसाइट को जो है आपको कमीशन नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे आप काम कर सकते हैं। अगर आप टाइपिंग अच्छे से जानते हैं तो ऑनलाइन डेटा टाइपिंग वर्क जो होता है वो आप कर सकते हैं और ये जेन्युइन भी होता है क्योंकि बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत इसका अच्छा नाम है, फेक नहीं है। अगर आप ऐसी चीजों की तरफ जाएंगे कि आप दिन में $100, $200, $300 कमाएंगे तो ये बिल्कुल जेन्युइन नहीं होता है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो भी वेस्ट हो जाएगी। अगर आप सबसे पहला और बेस्ट वे तो यहाँ पे ऑनलाइन का होता है कि यूट्यूब चैनल, ठीक है, आप वीडियोस बनाएं, अपनी नॉलेज शेयर करें जो भी आपके पास है, चाहे आप टेक्निकल वीडियोस बनाएं, चाहे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाएं, आपकी कुकिंग चैनल है, जो कुछ भी है आप शेयर करें, अगर लोगों को पसंद आएगा तो व्यूज आएंगे, तो चैनल ग्रो होगा, ठीक है। इसी तरह
आप यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको सेटअप करना होता है, एडिटिंग आनी चाहिए, फिर आपके पास टाइम होना चाहिए वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप चैनल बनाएंगे तो ये बेस्ट है। अगर ये नहीं है तो फाइवर जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जिनके पास कोई भी स्किल्स है, कुछ भी काम वो जो है जानते हैं, पेंटिंग है या फिर वो जो है ट्रांसलेटर है या टाइपिंग जानते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो कुछ भी आपके पास है आप कर सकते हैं, तो आप उसको बेच सकते हैं। आप अपने फाइवर पे जाके, fiverr.com पे जाके अकाउंट बनाएंगे और वहां पे अपनी गिग्स क्रिएट करेंगे कि मैं ये करता हूं, और अपनी रेट भी वहां पे लिख के रखेंगे। अब जो भी कस्टमर वहां पे आएगा वो देखेगा कि एक मुझे है ट्रांसलेटर के $10 ले रहा है, दूसरा मुझे ट्रांसलेशन के 8 ही ले रहा है, तो वो सीधी बात है 8 वाले को कॉन्टेक्ट करेगा। इस तरह आप ऑनलाइन जो है अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। अब यहां पे फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि रातों रात अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। जहां पे भी आप देखेंगे कि आपको $1,500 $200 $300 मिलेंगे दिन में, वो सारी चीजें फेक होती है, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई बंदा घर बैठे बैठे स्टार्ट करे और फिर इतने पैसे कमाए। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप मेहनत करते रहेंगे, यूट्यूबर है तो डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, एडिट करते हैं, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि दिन में हजारों लाखों रुपए मिलेंगे। लेकिन वो दिन आज नहीं है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको जो है एक पार्ट टाइम के तौर पर या आपके पास फ्री टाइम है, आप इसको जो है टाइम पास के तौर पर ले सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। तभी इसको स्टार्ट कीजिए जब आप ये ध्यान में रखेंगे कि मुझे पैसे अभी इससे कुछ नहीं मिलने वाले। अगर आप ये ध्यान में रखेंगे कि अभी मैं स्टार्ट करूंगा और अभी मैं जो हजारों लाखों कमाऊंगा, तो आप इसको 10 दिन के बाद ही बंद कर देंगे, क्योंकि आपको चमन्नी भी मिलेगी नहीं। अभी मेरा चैनल है, इसको 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए, 4 साल में 3 साल के बाद एक पेमेंट आया था YouTube की तरफ से, और फिर जो है डिले हो गया, यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, वीडियोस नहीं अपलोड हो पाती थी, और फिर चैनल डिमोनेटाइज हो गया और कुछ इनकम नहीं आई। सिर्फ एक बार 4 साल में इनकम हुई है, लेकिन इस पे काम करते रहना है, करते रहना है, फिर एक दिन आएगा कि आप जो है राइज करेंगे और शाइन करेंगे, तो उस दिन का आपको वेट करना है। तब तक आपको जो है मेहनत करनी है अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। फाइवर पे आप काम कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, एफिलिएट है, लिंक्स है वगैरह, जो जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं, उन पर भी मैं छोटी छोटी वीडियोस आपको इसके बाद दे दूंगा एपिसोड के तौर पे, कि अर्निंग के एपिसोड, ऑनलाइन अर्निंग के जो है दूसरे एपिसोड भी मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है फाइवर पे भी चेक करें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर मार लें ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हो तो यहाँ कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं।